देखती हूँ लोक उजागर। नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा शुक्ला। दूर से ही अगर भगवान अपने भक्तों का स्वागत करते हुए दिख जाएं, तो जाहिर सी बात है कि उनके दर पर पहुंचकर एक बार शीश नवाने की लालसा हर भक्त के मन में जाग उठती है। तो धर्म में दर्शन बजरंग बली के एक ऐसे ही धाम के, जहां 108 फीट की विशालकाय प्रतिमा के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा शिमला, जहाँ जाखू हनुमान मंदिर में बसता है पवन पुत्र का ये विराट रूप। बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के आंचल में बसा शिमला, हरी भरी पहाड़ियां और खूबसूरत घाटियां, कभी बर्फ की चादर तो कभी खिली खिली धूप का आंचल। मंगल मूर्ति राम दुलारे। मौसम की इस आंख मिचोली के बीच हरे भरे पेड़ों की ओट से झांकती पवन पुत्र की विशालकाय प्रतिमा यहां आने वाले लोगों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती है। महावीर करो कल्याण, हे महावीर। हाथ में गदा लिए मंद मंद मुस्कुराते बजरंग बली जो दूर से ही करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। हनुमान जी का ऐसा विराट रूप शायद ही आपने कहीं देखा हो। अपने इस अद्भुत रूप में जाखू की पहाड़ियों पर विराजते हैं पवन पुत्र, जिनकी सिर्फ काया ही नहीं बल्कि महिमा भी अपरंपार है। हिमाचल की राजधानी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर बड़े ही भव्य रूप में विराजमान है बजरंगबली। भव्य इसलिए क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजरंगबली की विशालकाय प्रतिमा भक्तों का स्वागत करती दिखाई देती है। सिंदूरी रूप में रंगे हनुमान जी का ये रूप न केवल मंदिर में आने वाले लोगों बल्कि पूरे शिमला शहर में कहीं से भी देखने पर इस विराट रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यूं तो जाखू मंदिर त्रेता युग का है और मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में मौजूद इस विशाल प्रतिमा के दर्शन कीजिए, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और जिसकी स्थापना 2010 में की गई है। करीब 2 करोड़ की लागत से बनी ये प्रतिमा मीलों दूर से भी भक्तों को दर्शन देती है। यहाँ जो है सच्चे मन से भक्त जन जो प्रार्थना करते हैं, जो मन की भावना करते हैं, वो प्रभु जो है पूर्ण करते हैं जाखू महाराज जी, और सबकी मनोकामना पूर्ण सफलता मिलती है। त्रेता युग की मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर मौजूद है, जिसकी स्थापना याकू ऋषि ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जाखू रखा गया। मंदिर में प्रतिदिन 3 बार आरती का विधान है, जिसका आरंभ सुबह 4 बजे ही हो जाता है। इसके बाद दूसरी आरती सुबह 7 बजे और तीसरी आरती शाम 7 बजे संपन्न होती है। मंगलवार और शनिवार को इस आरती में शामिल होने व बजरंग बली की पूजा आराधना का पुण्य कमाने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ती है। जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वे अपने सामर्थ्य के अनुसार रविवार को यहां भंडारा करवाते हैं। रविवार को जो भंडारा किया था करते हैं, ये भक्त जनों की श्रद्धा भावना है, और उस दिन जो है एक छुट्टी भी होती है रविवार की, तो उस भावना से भी जो और कुछ भक्त जनों की श्रद्धा भी है, जो कि यहाँ इतवार को जो भंडारा दिया जाता है। इस मंदिर में जितनी विशाल बजरंग बली की प्रतिमा है उतना ही विशाल बजरंग बली का हृदय भी। तभी तो अपने दर पर आने वाले किसी भी भक्त की पुकार को वो कभी अनसुना नहीं करते। अक्सर मेरा पिछले 30-32 साल से मैं हनुमान जी के चरणों में आ रहा हूँ जाखू मंदिर में। यहाँ आने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से जो भी आता है उसको प्रभु सब कुछ देते हैं, और यहाँ पर जो शांति मन को मिलती है और कहीं भी नहीं मिल पाती। हमारा ये एक शिमला में एक यही ऐसा मंदिर है जो सुबह 4 बजे खुलता है और रात्रि 8 बजे तक ये खुला रहता है। ये बजरंग बली की महिमा ही है
जो इनके दर्शनों के लिए देश भर से भारी तादाद में भक्त शिमला के इस मंदिर में आते हैं और प्रभु के चरणों में शीश नवाकर हर प्रकार के कष्टों से खुद को मुक्त पाते हैं। सतेंद्र चौहान के साथ विकास, शिमला आज तक। खूबसूरत वादियों के बीच जाखू की पहाड़ियों पर कैसे आए हनुमान? किसने की इस मंदिर की स्थापना? कैसे इस पहाड़ी का नाम पड़ा जाखू और क्या है इस मंदिर के बनने के पीछे की पूरी कहानी? चलिए जान लेते हैं। सूरज अपनी लालिमा के साथ जब हिमाचल की वादियों में मुस्कुराता है, तब पर्वतों को अपनी सफेद चादर में समेटे बादल उड़ जाते हैं नए बसेरे की ओर। ऐसा लगता है जैसे बादल रास्ता दे रहे हों सूरज की किरणों को, दिखा रहे हों भक्तों को वो राह जहां सूरज को अपने मुंह में लेने वाले हनुमान के चरण पड़े थे। शिमला की खूबसूरत वादियों में है ये जाखू पर्वत, वो पर्वत जिसका नाम पड़ा जाखू ऋषि के नाम पर। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम और रावण के युद्ध में जब लक्ष्मण घायल हो गए, तब उन्हें बचाने के लिए वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। ऐसे में राम ने बूटी लाने की जिम्मेदारी पवन पुत्र हनुमान को सौंपी। वीरों के भी शिरोमणि बलवान जब चले, हनुमान जब चले। हनुमान जी हिमालय की ओर उड़े, रास्ते में उन्होंने नीचे पहाड़ी पर जाखू नामक ऋषि को देखा तो वो नीचे पहाड़ी पर उतरे। हनुमान ने ऋषि को नमन कर संजीवनी बूटी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और ऋषि को वचन दिया कि संजीवनी लेकर आते समय ऋषि के आश्रम पर जरूर आएंगे। हनुमान ने रास्ते में काल नेमी नामक राक्षस द्वारा रास्ता रोकने पर युद्ध करके उसे परास्त किया। इस दौड़ धूप तथा समय अभाव के कारण हनुमान ऋषि के आश्रम नहीं जा सके। हनुमान जाखू ऋषि को नाराज नहीं करना चाहते थे, इस कारण अचानक प्रकट होकर और अपना विग्रह बनाकर गायब हो गए। ऋषि जाखू ने हनुमान की स्मृति में उसी प्रतिमा की स्थापना कर इस मंदिर का निर्माण करवाया। द्रोणागिरी पर्वत वहाँ पूरा पर्वत का परचम करा था, अब बूटी की कोई पहचान नहीं थी। पर्वत का पर्वत उठा दिया, जब पर्वत उठा दिया समय नहीं था क्योंकि सूर्य उदय से पहले जलंका पहुंचा था। श्री राम भक्तमान जी दूसरे रास्ते चले गए अयोध्या होते हुए। जब दूसरे रास्ते चले गए जो महात्मा जो ऋषि थे यहाँ ध्यान में बैठ के हनुमान जी क्यों नहीं, क्या बात है, तो बताते सामने जो हनुमान जी की पिंडी है इस रूप में दर्शन दे देते हनुमान जी ने कि वे पहुंच गए हैं। जिस समय हनुमान पहाड़ी पर उतरे उस समय पहाड़ी उनका भार सहन न कर सकी और जिसके कारण पहाड़ी जमीन में धंस गई। मूल पहाड़ी आधी से ज्यादा धरती में समा गई। मंदिर में जहाँ हनुमान जी ने अपने चरण रखे थे उन चरणों को संगमरमर पत्थर से बनवा कर रखा गया है और बजरंग बली की प्रतिमा के साथ ही इसका भी दर्शन पूजन किया जाता है। घने देवदार के पेड़ों के बीच जाखू मंदिर हनुमान का ऐतिहासिक मंदिर है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार संजीवनी बूटी लेने जाते समय बजरंग बली ने शिमला की इसी पहाड़ी पर विश्राम किया था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हनुमान अपने साथियों को यहीं पर छोड़कर अकेले ही संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े। ऐसा माना जाता है कि उनके वानर साथियों ने ये समझकर कि बजरंगबली उनसे नाराज होकर अकेले ही गए हैं, उनका यहीं पहाड़ी पर वापस लौटने का इंतजार करते रहे और इसीलिए यहां आज भी बड़ी संख्या में वानर पाए जाते हैं। लियाकत अली, शिमला आज तक। जितनी विशाल काय है बजरंग बली की प्रतिमा, उतने ही बड़े हैं उनके चमत्कार भी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक चट्टान पर विराजमान है बजरंग बली की 15 फीट की विशाल और लेटी हुई प्रतिमा, जिनकी नाभि से लगातार निकलता है जल, और जिसने भी इस जल को ग्रहण कर लिया उसके जीवन से दुख और संताप मिटते देर नहीं लगती। लाल देह लाली नसे अरुधरि लाल लंगूर बज्र देह दानव दलन जय जय जय
कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। चट्टान पर लेटे हैं हनुमान, नाभि से निकलता है जल लगातार, ले लिया अगर जल का प्रसाद, त्वचा रोग का मिलेगा समाधान। पंद्रह फीट के विशाल बजरंग बली लेटी मुद्रा, लेटे बजरंग बली का ऐसा दरबार जहां हर तरफ से निराश मन को दिखती है आशा की किरणें, जहां अथाह कष्ट में डूबे भक्तों को मिलता है आराध्य का सहारा। भक्तों की ये भीड़ खुद ब खुद कहती है इस पावन स्थान के चमत्कार की कहानियाँ। कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्र ध्वज। बजरंग बली का ये दरबार लगता है छिंदवाड़ा जिले के जाम सामली गांव में, जहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे विराजते हैं पवन पुत्र। कहते हैं बजरंग बली का ये रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। अद्भुत इसलिए क्योंकि 15 फीट के ये विशाल मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में एक चट्टान पर स्थापित है। इससे भी हैरान करने वाली बात है पवन पुत्र की नाभि से लगातार जल निकलता रहता है। भक्तों का मानना है कि जिसने भी इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया उसे त्वचा संबंधी सभी रोगों का छुटकारा मिल जाता है। जो हनुमान जी के नाभि से जो जल निकलता है उससे जो शरीर में जो पीड़ा रहती है उससे दूर हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बजरंग बली का ये रूप इस चट्टान पर कैसे आया। कहते हैं लंका दहन के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान को आराम करने को कहा था, जिसके बाद हनुमान ने इसी चट्टान पर विश्राम किया था। उनका वही रूप विशाल लेटे हनुमान के रूप में यहाँ स्थापित हुआ। लंका विजय के पश्चात जब राम भक्त हनुमान जी मतलब वहाँ से निकले तो इसी स्थान पर पहुँचे और आराम विश्राम अवस्था में यहाँ लेटे हुए हैं, और तभी से उनकी ख्याति संपूर्ण मतलब देश में संसार में फैली हुई है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। मंदिर में सुबह सवेरे भक्त हनुमान का प्रिय चोला चढ़ाकर आरती के साथ करते हैं उनका गुणगान। जहां एक तरफ नाभि का जल रोगों से मुक्ति दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ जिन कुवारे भक्तों की शादी नहीं हो पा रही और जिन छात्रों को चाहिए परीक्षा में सफलता, उनके लिए ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। मंदिर के साथ ही भक्तों का भगवान तक फरियाद पहुँचाने का तरीका भी अनोखा है। यहाँ भक्त पेड़ में कील गाड़ कर, तो महिलाएं चूड़ियां चढ़ाकर, तो कोई धागा बांधकर मांगता है अपनी मन्नत। ये मंदिर को मैं बहुत मानती हूँ क्योंकि मैं बचपन से यहाँ आती हूँ, और आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने अपने करियर के लिए मन्नत मांगी है और मैंने मन्नत का धागा भी बांधा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी मन्नत जरूर पूरी करेंगे और मेरे करियर को एकदम अच्छा बनाएंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बने इस चमत्कारिक मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार और शनिवार को यहां लगता है श्रद्धालुओं का मेला, साथ ही गुरु पूर्णिमा पर यहां आकर दर्शन करने का विशेष महत्व है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ आज तक ब्यूरो। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।